लॉकडाउन में कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर भागलपुर पुलिस काफी सक्रिय दिख रही है। शुक्रवार को सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने सिविल कोर्ट के पश्चिमी और दक्षिणी प्रवेश द्वार समेत पूरे परिसर का जायजा लिया और ड्यूटी में तैनात अधिकारी एवं पुलिस जवानों को कई दिशा निर्देश दिए। सिटी एसपी ने कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को कोर्ट में आने जाने वाले सभी लोगों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। इस दौरान सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कोर्ट परिसर में आए वकीलों से पुलिस कर्मियों को सहयोग करने की बात कही। सिटी एसपी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कोर्ट में काफ़ी कम संख्या में अधिवक्ता आ रहे हैं, फिर भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। निरीक्षण के दौरान सिटी एसपी ने पुलिस जवानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ड्यूटी में मुस्तैद रहने एवं मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को कहा है। मौके पर सिटी डीएसपी राजवंत सिंह समेत कई थाना की पुलिस मौजूद थी। देखिए कि नियमित जांच थी, हम लोग कोर्ट की नियमित जांच सुरक्षा जांच करते हैं, प्रत्येक जांच करते हैं, उसी कड़ी में आज जांच करने आए थे। आपने देखा कि प्रत्येक गेट पे सिपाही पदाधिकारी तैनात था, किसी में कोई कमी नहीं पाई गई। सीसीटीवी कैमरा को उन्होंने देखा, सभी कैमरा कार्यरत है। एक दो केबल कनेक्शन खराब हो गया है जो कल परसों बन जाएगा। लॉकडाउन के कारण जिला विधिक संघ भवन में न्यायालय की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल रही है, जिससे आम अधिवक्ता एवं मुक्किलों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश अधिवक्ता आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कारण परिवार के भरण पोषण के लिए जूझने को मजबूर हैं। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर शुक्रवार को भागलपुर जिला विधिक संघ की ओर से DBA परिसर में सांकेतिक धरना दिया गया। धरना के दौरान अधिवक्ताओं ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना हो। DBA के महासचिव संजय मोदी ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हो रही है, जिससे अधिवक्ता एवं मौकिल अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पाते हैं और इसका प्रभाव कोर्ट के फैसले पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सुनवाई में जहां कोर्ट के फैसले पर असर पड़ रहा है, वहीं वकीलों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश पटना को दिए गए आवेदन में भारतीय न्यायिक व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बताते हुए DBA महासचिव ने कहा कि कोर्ट रूम में वास्तविक सुनवाई होने से वकीलों के साथ मुक्किलों को भी राहत मिलेगी। दरअसल आज जो है अधिवक्ता और मुवक्किलों को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि न्यायालय में काम नहीं हो पा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम हो रहा है, जिस वजह से मात्र 5% ही काम हो रहा है और 95% काम बाधित पड़ा हुआ है। अधिवक्ताओं को, मुवक्किलों को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही है। दरअसल अभी जो परिस्थिति बनी है COVID-19 के बाद, अधिवक्ता मैक्सिमम अधिवक्ता की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। भूख और प्यास से तड़प रहे प्रवासी मजदूरों का सब्र टूटने लगा है। भोजन नहीं मिलने से खपा श्रमिक अब मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हैं। ताजा मामला भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर का है, जहां ट्रेन में सवार लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर से पूर्णिया जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर सवार यात्रियों ने गुरुवार की देर रात भागलपुर स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। 1 घंटे तक यात्रियों ने ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाला। वहीं RPF और GRP द्वारा काफी समझाने के बाद यात्री शांत हुए, जिसके बाद ट्रेन खुली। हंगामा करने वाले में ज्यादातर पटना, समस्तीपुर और दरभंगा जिले के लोग शामिल थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में सभी संकायों के डीन की बैठक हुई। बैठक में कुलपति ने सभी डीन को रिसर्च कार्यों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया, साथ ही रिसर्च की गुणवत्ता पर ध्यान देने की बात कही। बैठक के दौरान कुलपति ने कहा कि डीन का पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और आप अपनी जिम्मेवारी को समझें। वहीं ऑनलाइन क्लास की खानापूर्ति किए जाने पर कुलपति ने नाराजगी जाहिर की।
डिग्री और विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर डाले गए ई कंटेंट और स्टडी मटेरियल की निगरानी और रिव्यू करने का निर्देश दिया। बैठक में रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कुलपति को बताया कि TMBU के अधिकांश PG विभागों के पास अपना ईमेल ID तक नहीं है और हेड पर्सनल ईमेल का उपयोग विभागीय कार्यों के लिए कर रहे हैं। वहीं कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने त्वरित रूप से सभी PG विभागों को ऑफिशियल ईमेल ID बनाने का निर्देश दिया है। बैठक में शोध कार्य, क्वालिटी एजुकेशन, PGRC एवं DRC की गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। मौके पर साइंस के डीन प्रोफेसर अशोक ठाकुर, मानविकी के डीन प्रोफेसर बहादुर मिश्रा, सोशल साइंस एवं लॉ के डीन प्रोफेसर रेखा सिंह, वाणिज्य के प्रोफेसर KC झा, डॉक्टर राकेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर मौजूद थे। बाढ़ एवं कटाव से बचाव को लेकर जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा लगभग 40 लाख की लागत से नौगछिया इस्माइलपुर बिंदटोली के बीच कटाव निरोधी कार्य कराया जा रहा है। विगत कई वर्षों से कटाव होने के कारण गंगा स्पर संख्या 5, 6 एवं 7 के डाउन स्ट्रीम तक बह रही है, जिससे दर्जनों गांवों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर निरीक्षण दल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता इंजीनियर उमाशंकर सिंह ने पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान जियोबैग कार्य को आगे तक कराए जाने की आवश्यकता बताई थी और इसके लिए पटना मुख्यालय को प्रतिवेदन भी सौंपा था, जिसके बाद पटना से जल संसाधन विभाग से आए अधीक्षण अभियंता ने कार्यस्थल का जायजा लिया और मुख्य अभियंता शशिधर पांडे, अधीक्षण अभियंता महेंद्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। बाढ़ कटाव को रोकने के लिए विभाग द्वारा कार्यों में तेजी लाने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है, जिससे समय रहते कार्य पूरा किया जा सके। देखने है जो काम हो रहा है वो हमारा जो स्वीकृत कार्य है उसके अनुसार से कार्य हो रहा है। कहाँ सर क्या देखे वो 4N1 से 4N1 से 6N के बीच में जो 3 लूट है उसी में जो काम चल रहा है इंक्लूजन का। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुँह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, non-AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। भागलपुर सजौर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में एक युवक पर अज्ञात अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया। युवक की पहचान किशनपुर अमखोरिया निवासी दरोगी प्रसाद सिंह के पुत्र अभय प्रसाद सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घायल युवक मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज रांची के मानसिक रोग विशेषज्ञ से चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि घायल युवक के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से हमला किया गया है।
मामले की सूचना मिलते ही सजौर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल अभय सिंह को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इससे पूर्व मानसिक रूप से बीमार युवक पर हमला किए जाने की खबर सुनकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और भारी संख्या में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती के निर्देश पर शहर में जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को नाथनगर नरगा चौक पर चेकिंग गश्ती दल ने आने जाने वाले को रोककर वाहन चेकिंग की और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया। पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक नियम का पालन करने की बात कही, साथ ही कहा कि किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की छूट नहीं है। बांका अमरपुर बंगाली टोला के समीप एक गोदाम से चोरों ने मंगलवार की देर रात आंधी तूफान का लाभ उठाकर 15 लाख के बिस्किट की चोरी कर ली। चोरों ने गोदाम में लगा सीसीटीवी कैमरा भी उखाड़ लिया। गायत्री ट्रेडर्स के प्रोपराइटर अमित कुमार ने कहा कि आंधी तूफान के बाद अज्ञात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर बिस्कुट और कुरकुरे के साथ कई सामानों की चोरी कर फरार हो गया है। उन्होंने कहा कि घटना की शिकायत अमरपुर थाना में दर्ज करा दी गई है, लेकिन अब तक चोरों का पता नहीं चल सका है। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सेवा करने वाले नाथनगर के समाजसेवी विजय कुमार यादव इन दिनों गरीब एवं असहाय परिवार के लिए मसीहा बने हुए हैं। दरअसल नाथनगर नूरपुर गांव में कैंसर से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही विजय यादव शुक्रवार को महिला के घर पहुंचे और परिवारजनों को सांत्वना देने के साथ अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक मदद भी दी। इसके अलावा गोसाईदासपुर के हरिदासपुर गांव में जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री का भी वितरण किया गया। जी, मुझे जो है अभी थोड़ा देर पहले कॉल गया, मनीष जी के द्वारा मुझे फ़ोन गया था, क्योंकि ये कैंसर पीड़ित महिला है और इनकी डेथ हो गया था और अभी तक यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा है इनकी मदद के लिए। इनका कोई लड़का नहीं है, सिर्फ 5 लड़की है इनको, तो आर्थिक स्थिति बहुत इनका ख़राब है। इसलिए मैं तत्काल यहाँ पहुँच कर इनको दाह संस्कार के लिए कुछ आर्थिक मदद किया हूँ तत्काल, और आगे भी श्राद्ध से लेकर और आगे जहाँ तक भी ज़रूरत होगा मैं इनका इनको सहायता करूँगा।